हमें जिस तरह से कानून के दायरे में रहकर संविधान में आर्टिकल 13C और आर्टिकल 46 इसके द्वारा जो भी जातियां जो ऑलरेडी रिजर्वेशन में आ गई है SC ST OBC उसके अलावा भी जो जातियां हैं उनकी आर्थिक परिस्थितियों को देख के उनकी शिक्षा की परिस्थितियों को देख के हम एक बिल ले आएंगे विधानसभा में, उसको पारित किया जाएगा, राष्ट्रपति जी को दिया जाएगा और उसके बाद एक आयोग की रचना होगी और वो आयोग ऑब्जर्वेशन करके जो बाकी की बची जातियां हैं उसके बारे में निर्णय करेगा और जो सुविधाएं ओबीसी को मिल रही है उसी प्रकार की सुविधाएं देने का ये पहली बार देश में होगा। ये पॉलिटिकल विल की बात है, अभी तक हुआ नहीं है लेकिन हम ये करने जा रहे हैं। हमारी ये यात्रा निकली है और जिस भी मंजिल में मैं गया हूं मैंने गुजरात की जनता की सुनहरा भविष्य माना है कि ये प्रदेश के युवा जो है किसान जो है उनको एक अच्छा भविष्य मिलेगा। मंदिर में ज्यादा मना है ये है कि प्रधानमंत्री जी अपनी आपसी नीति की है या तो कांग्रेस पार्टी की बात कर रहे हैं या फिर अपनी बात कर रहे हैं। पहले प्रधानमंत्री जी भ्रष्टाचार की बात करते थे, हर मीटिंग में भ्रष्टाचार की बात होती थी। जय शाह जी का मामला आया, राफेल डील सामने आई, आप देख लीजिए प्रधानमंत्री जी ने भ्रष्टाचार शब्द इस्तेमाल करना बंद कर दिया है। अस्पतालों के बारे में कॉलेजेस के बारे में प्रधानमंत्री नहीं बोले, किसानों के बारे में किसानों को क्या दाम मिलता है उसके बारे में प्रधानमंत्री नहीं बोले। और ये मूड सिर्फ प्रधानमंत्री जी में नहीं है, ये मूड रूपाणी जी में है, ये पूरी बीजेपी में है। टाटा नैनो फैक्ट्री का मैंने उदाहरण दिया है, 33,000 करोड़ रुपए एक फैक्ट्री को और नैनो की गाड़ी कहीं नहीं दिखाई। जमीन बिजली पानी सब का सब इनको और जो गुजरात की जनता है उनको बोलते। अब हमारी मेन आर्ग्यूमेंट कि पिछले 22 साल में नरेंद्र मोदी जी रूपाणी जी ने वन साइडेड डेवलपमेंट किया है, 5-10 लोगों को पूरा का पूरा फायदा मिला है और गुजरात की जो जनता है उसको जो मिलना चाहिए था वो नहीं मिला है। और यही जनता ने हमें कहा